यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। 7 तारीख को गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र के रईसपुर इलाके में एमबीए के स्टूडेंट निशांत की गोली मारकर हत्या के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। मामले में पुलिस ने विक्रांत उर्फ विक्की नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसने पुलिस को बताया कि मामूली बात पर 3 साल पहले निशांत के साथ रंजिश शुरू हुई थी। इलाके की ही एक और शख्स की निशांत से रंजिश चल रही थी, जिसके कहने पर उसने विक्रांत से गोली मारने का उसका ठेका ले लिया और जिसके बाद 7 तारीख की रात को रईसपुर इलाके में अपने निशांत अपनी गाड़ी में बैठा सेल्फी ले रहा था, उसी समय आरोपी विक्की ने उस पर ताबड़तोड़ फायर कर दिया, जिससे निशांत की मौत हो गई थी। मामले में एक आरोपी के पकड़े जाने के बाद पुलिस अब दूसरे आरोपी की तलाश में जुट गई है। साथ ही वारदात में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद कर लिया गया है। कुछ दिनों पूर्व एक मर्डर हो गया था एक लड़के का, निशांत नाम के व्यक्ति का, उसी के गांव के कुछ लोगों का नाम इसमें सामने आ रहा था, तो बहुत ही जल्दी इसका खुलासा किया गया है। इसमें विक्की नाम का एक व्यक्ति है, वो अरेस्ट हुआ है। उसने कुछ दिनों पूर्व मर्डर से कुछ दिनों पूर्व एक कैंटीन संचालक को भी गोली मार दी थी, उसमें थाना सियानी गेट में 307 का मुकदमा दर्ज था। और उसके बाद दो इसका जो मृतक है उससे किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, फिर गांव में आकर इन्होंने कुछ बीच में इन लोगों के बीच में कुछ घटनाक्रम हुआ है, इसमें गोली मार दी है और गोली मारने में इसके साथ अंकित नाम का एक व्यक्ति भी शामिल था, उसकी भी शीघ्र।